नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेलीमोर टेक। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं टेली ईआरपी 9 में डुप्लीकेट एंट्रियों को कैसे रोक सकते हैं। जो हम परचेज करते हैं कई बार डबल एंट्री हो जाती है या डबल बिल आ जाता है तो हम उसको एंटर कर देते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए हमने क्या करना है तो मैं इसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों जीएसटी में हमारे को इस चीज़ की बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि बिल डबल एंटर हो जाता है, उससे हमें कई परेशानी को झेलना पड़ता है, इससे रिटर्नें गलत हो जाती हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम टैली ईआरपी 9 में और देखते हैं इस परेशानी से कैसे निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपसे वही बात कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मैं, क्योंकि इस प्रकार की रोचक जानकारी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं दोस्तों, चलते हैं टैली पर। पर मैंने टैली ईआरपी 9 स्टार्ट कर रखा है और मैं यहां पर एक छोटी सी चेंजिंग करूंगा, वो चेंजिंग वाउचर के अंदर करूंगा, परचेज वाउचर के अंदर। तो मैं यहां पर जाता हूं अकाउंट इंफॉर्मेशन में और यहां पर जाऊंगा मैं वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप के बाद में वाउचर टाइप के बाद दोस्तों हमारे अल्टर में जाने के बाद में हमें परचेज के अंदर चेंजिंग करनी है, क्योंकि परचेज के बिल डबल चढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं परचेज का वाउचर खोलूंगा। तो दोस्तों यहां पर हमने एक छोटी सी चेंजिंग करनी है। हमने क्या करना है, यहां पर एंटर करके और ये मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग पर हमने यहाँ पर मैनुअल करना है। मैनुअल करने के बाद में यहाँ पर प्रीवेंट डुप्लीकेट्स पर यस करना है। देखिए दोस्तों यहाँ से ये करने से एक फर्क पड़ेगा, यहाँ पर जो नंबरिंग ऑटोमेटिक आती है यहाँ पर मैनुअल अपने को नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ। मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एंट्री करके देखना है एंट्री हमारी डुप्लीकेट लेता है या नहीं लेता है। जैसे हमने यहाँ पर 17 नंबर बिल भरा है और यहाँ पर 17 नंबर भर देता हूँ और डेट ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं पार्टी का नाम भर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं परचेज लेजर ले लेता हूँ और आइटम डाल देता हूँ। जैसे वाशिंग मशीन परचेज कर लिया मैंने, 10 वाशिंग मशीन परचेज कर लिया 6000 पर पीस का हिसाब से। और यहाँ पर मैंने जीएसटी लगा दिया है। जैसे मैंने लोकल परचेज किया है तो मैं यहाँ पर इसको फिल करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। आगे दोस्तों मैंने यहाँ पर वही बिल द्वारा 17 नंबर बिल था तो मैं 17 नंबर द्वारा मैं एंटर करूँगा। तो दोस्तों ये इसने एरर दे दिया है, इंटीमेशन दे दिया है, आपने यह वाउचर भरा हुआ है, आपका ये वाउचर नंबर डबल हो रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर अगर मैं 18 नंबर आ जाता है, 18 नंबर आ जाता है तो ले लेगा,
पर बट 17 नंबर ये परचेज में बिल नहीं लेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है, तो इसे हम डुप्लीकेट एंट्री चलाने से बच सकते हैं और आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो, अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।